देश में लगातार कोरोना कहर बरपा रहा है। लगातार आ रहे आंकड़ों ने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आने के बाद अब हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही लोग भी अब इससे निपटने के लिए एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। प्रशासन भी लगातार अपनी खुद की परवाह न करते हुए लोगों के लिए मदद कर रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरोना मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा के शुरू होने से एम्बुलेंस की किल्लत झेल रहे अस्पतालों को भी सुविधा मिल सकेगी और साथ ही मरीज समय पर अस्पताल पहुंच सकेंगे। दरअसल कोरोना काल में अस्पतालों के साथ साथ कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके कारण मरीजों को अस्पताल पहुँचने में देरी हो जाती है और इलाज शुरू नहीं होने के कारण उनकी हालत गंभीर हो जाती है। ऐसी स्थिति में कई मरीज बाइक से अस्पताल पहुंचते हैं और उनके इस तरह जाने से संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। इसी को देखते हुए बैतूल में चल रही ऑटो एम्बुलेंस ने 5 ऑटो कोविड ऑटो एम्बुलेंस बनाए हैं। इस मौके पर कोविड ऑटो एम्बुलेंस के चालक को सैनिटाइजर ऑक्सीमीटर भी दिए गए हैं, जिससे वे मरीज की ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। कोविड ऑटो एम्बुलेंस के शुरू होने से अब मरीजों को घर से अस्पताल जाने में सुविधा मिल सकेगी। मरीजों को कोविड ऑटो एम्बुलेंस का भुगतान भी करना पड़ेगा, जो 3 किलोमीटर एरिए में 300 रुपए रखा गया है। इस सेवा के शुरू होने से प्राइवेट एम्बुलेंस की मनमानी पर भी रोक लगेगी। वहीं बैतूल SP सिमाला प्रसाद का कहना है कि कुछ ऑटो चालक सामने आए हैं, जिन्होंने कोविड मरीजों की मदद करने के लिए अपने ऑटो को कोविड ऑटो एम्बुलेंस बनाया है और ये ऑटो एम्बुलेंस कोविड मरीजों को अस्पताल ले जाएगी। ये आए हैं ऑटो ड्राइवर्स और इन्होंने वॉलंटियर किया है कि जो कोविड संक्रमित पेशेंट्स हैं, जिनके घरों में टू व्हीलर की भी सुविधा नहीं है, फोर व्हीलर भी नहीं है, किसी प्रकार से वो अस्पताल नहीं पहुंच सकते और कोविड होने के कारण आस पड़ोसी भी उनकी मदद करने में हिचकते हैं, घबराते हैं, तो इस तरह के केसेस को डील करने के लिए ये एक प्रभावी साधन सिद्ध होगा। और इसमें ये लोग वॉलंटियर किया है ऑटो ड्राइवर्स ने और इनके नंबर्स भी प्रमुखता से हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे और जिस भी पेशेंट को आवश्यकता है ऑटो की, उसको अस्पताल जाना है, कई बार अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं पेशेंट्स, उनके लिए भी कोई कन्वेंस का साधन नहीं है, तो इस तरह के चीज़ों में ये सहायक सिद्ध होंगे। इनके घर में गाड़ियाँ या कार नहीं है, पेशेंट को लाने में देरी हो रही है, तो ये एम्बुलेंस ये सहायक होंगी कि पेशेंट हमारे पास समय पे आ पाएगा। पेशेंट का हमारे पास बीमारी के लक्षण के, अगर पेशेंट हमारे पास 6-7 दिन में आ जाता है तो उसको हम पूर्णतः बचाने में सक्षम है और बचा ले जाएंगे। अभी हमारे पास जो पेशेंट गड़बड़ हो रहे हैं या जिनकी डेथ हो रही है, वो हमारे पास 10 दिन के बाद ही आ रहे हैं। एम्बुलेंस की कमी है उसमें सहायक हो, बहुत सहायक होगी और ये घर घर छोटी जगह पे जा पाएंगे, छोटे मोहल्ले में जा पाएंगे, ईजी अवेल रहेगा, इनका खर्चा कम है, अच्छी व्यवस्था है। वहीं गौरी बालपुरे का कहना है कि पहले चरण में 5 ऑटो को कोविड ऑटो एम्बुलेंस बनाए जाएंगे और कोरोना मरीजों को अस्पताल ले जाने में सहयोग करेंगे। मरीज बढ़ रहे हैं और एम्बुलेंसेस का भी क्राइसिस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो कोविड मरीज होम आइसोलेट है और उनको यदि कोई जांच कराने जाना है तो उन्हें भी साधन मुहैया नहीं हो रहा है। ऐसे में लोग बाइक से निकल जा रहे हैं या किसी न किसी अपने साधन से निकल रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा जो साथ में जा रहे हैं उनको भी बढ़ रहा है। इसलिए हमने जिला प्रशासन में कलेक्टर साहब अमनवीर सिंह बैस जी से निवेदन किया कि हम 5 ऑटो इस तरह से कोविड ड्यूटी के लिए लगाना चाहते हैं। उन्होंने ये सुविधा को आइडियल माना और आदर्श के रूप में अभी 5 ऑटो के लिए हमें परमिशन दे दी है। इसका हमने एक क्राइटेरिया भी डिवाइड किया है कि ऑटो जो है 10 किलोमीटर के दायरे में अपनी सेवाएं देंगे, अलग अलग हॉस्पिटल से पेशेंट लाएंगे, पहुंचाएंगे और इसके लिए एक न्यूनतम शुल्क भी हमने तय किया है। ऑटो ड्राइवर अहमद का कहना है कि आज कोरोना मरीजों के प्रति लोग घृणा रखते हैं, ऐसे में हम कोरोना मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और उन्हें समय पर इलाज मिल सके। लक्ष्य ये है कि आज इसके लिए कोई तत्पर नहीं होता, हर आदमी कोरोना पेशेंट से घृणा करता है, तो हम इसको एक सेवा के रूप में ये कार्य करना चाहते हैं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जैसा डॉक्टर साहब का निर्देश है उसी हिसाब से हम उसको क्रियान्वयन करेंगे। आपके ऑटो में क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से उसको एम्बुलेंस के रूप में बनाया गया है? हमारे ऑटो में सभी चीज़ों की व्यवस्था है, पार्टीशन की व्यवस्था है, सैनिटाइजर है, PPE किट है, ऑक्सीमीटर है और आने वाले समय में और भी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। किया जा रहा ये प्रयोग कोरोना मरीजों के लिए वाकई में राहत की खबर लेकर आया है।
बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।